नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है वो कहाँ काम काज कर सकते हैं और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन तो काफी बढ़िया किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने लेवल्स दिए थे वो मैंने अभी देखे तो उसके अंदर मेरी आवाज ही नहीं थी। तो चलिए कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो बात करते हैं कि कल कहाँ काम काज कर सकता है मार्केट। निफ्टी देखो, ओवरऑल अगर देखें तो देखो एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल जो कि बार बार मैंने 16600 तक मैंने उसके अंदर भी इसी तरह से एक डिप बताई थी 17600 के आसपास, यहां तक एक डिप मार्केट मार सकता है जो कि मार्केट ने दिया। और अगर वनडे के चार्ट पे अगर इसका लाइन चार्ट अगर आप देखोगे तो ठीक है, एक रिट्रेसमेंट है, प्रॉफिट बुकिंग है और चलता है, ठीक है, तो ये शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एनालिसिस हम करके भी गए थे, खैर लेकिन अब आवाज नहीं आई तो किसने क्या, लेकिन अगर किसी ने वर्डिंग देखी हो तो डेफिनेटली वो बढ़िया प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो कॉल साइड हम 17725 के ऊपर, हम 17725 के ऊपर की अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे। ऊपर में हमारे फर्स्ट टारगेट होगा 17780 और दूसरा होगा 17820, ये दो टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन। ऐसा फिर आपका हो जाएगा 17700, ठीक है, ये हो गई क्लोजिंग, शानदार है, नो डाउट। क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल पे मार्केट आया, नीचे आया, यहाँ पे एक बुलिश एंगल से बुलिश शूटिंग स्टार या मॉर्निंग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार इसको कहते हो, वहां पे बढ़िया बनी और उसके बाद में शानदार तेजी दी। फ्री टेलीग्राम के अंदर भी मैंने एक ट्रेड दी थी, वो भी शानदार मार्केट के अंदर उसने बढ़िया पैसा बना के लिया। तो फ्लैट कुल के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली कॉल की पोजिशन करेंगे। अब सिचुएशन है कि नेगेटिव कब हो, नेगेटिव 16600 के नीचे ही हम कोई शॉर्ट करेंगे, 17600 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनेगी, ये वाली पोजीशन करीबन 17580, ठीक है, इसी के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन, अदरवाइज कोई पुट की पोजीशन नहीं। हाँ, गैप डाउन खुलेगा तो यहीं के आसपास एक कॉल की अपॉर्चुनिटी 20-30 पॉइंट का, ऐसा लगा के कॉल की अपॉर्चुनिटी ऊपर में अगेन आपके ये सेम टारगेट 17700 तक, 17600 के आसपास मिलेगा तो कॉल साइड में ही बैठेंगे आंख बंद करके। हाल फिलहाल तक क्लोजिंग अगर 17600 के नीचे हो गई उस दिन से अपन समझ लेंगे कि मार्केट नेगेटिव है। और अगर वनडे का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये एक इस तरह से बना है, ठीक है, अब ये इस तरह से बन के एक ऊपर निकलेगा तो और तेजी दिखेगी, तो ये या फिर यहाँ से एक एम पैटर्न बनाएगा, तो ये एक सीधा यू तो है नहीं कि भाई ये ऊपर आया ये नीचे ऐसे आ गया और फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज नहीं चलेगी। यहाँ आया एम पैटर्न बना के नीचे आएगा तो डेफिनेटली हम उस हिसाब से ट्रेड कर लेंगे, और एन पैटर्न बना के ऊपर निकलेगा तो भी हम उस हिसाब से ट्रेड कर लेंगे, ओवरनाइट पोजीशन हमारे होती नहीं है। तो अब सिचुएशन है गैप अप, गैप अप अगर कहाँ होता है 17780 के आसपास या 17820 के आसपास होता है, वेट करेंगे ऊपर में, फिर ऊपर 17870 का ऐसा लगा के पुट की पोजीशन बनाएंगे, जितना 17870 के पास में मिलेगा मार्केट हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। एक्सपायरी का भी हमारा यही एनालिसिस था, गैप डाउन का मैंने बता दिया, फ्लैट पुल के नीचे जाता है तो भी पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, पुट की पोजीशन ओनली 17580 के नीचे, ऊपर के लेवल पे पुट की पोजीशन निफ्टी में बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी, फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल ही कर दिया, नीचे के लेवल पे होल्ड भी किया, नीचे के लेवल से ऊपर भी आया, और एक हाल फिलहाल इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी गई है, ये प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट नहीं है, रेड कैंडल भले ही बनी है लेकिन पिछली कैंडल के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, लाइन चार्ट में ऊपर की साइड ही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 41600 के आसपास जब ये क्लोजिंग देगा तब इसको अपन मानेंगे कि भैया इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, रेड कैंडल बनी है और कॉल की पोजीशन डेफिनेटली इसके ऊपर ही रहेगी हमारी। तो ऊपर के लेवल शानदार थे, ऊपर नीचे से यहाँ पे किसी ने भी 5 मिनट की कैंडल पे बुलिश एंगल आइडेंटिफाई करी हो, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया हो, दो ट्रेड हमारे हिसाब से भी बनी थी तो, और नीचे के लेवल से यहाँ पे ये मैंने इंगल्फिंग शूटिंग स्टार देखी और यहाँ से फिर मैंने एक कॉल दी, बढ़िया यहाँ तक ही मार्केट दिया करीबन 2:30 बजे तक, उसके बाद में दिया नहीं इसने मार्केट में टारगेट, लेकिन ये इसी को देख के मैंने कॉल दी थी, ठीक है, तो और इसके नीचे का एसएल था, एसएल प्रीमियम फ्री वाले ग्रुप में नहीं डाला लेकिन यहाँ पे देख के ट्रेड दी थी, प्रीमियम में यहाँ पे पुट दी थी और यहाँ पे कॉल दी थी निफ्टी में। निफ्टी के अंदर एक्चुअली क्या है, 5 मिनट के अंदर ही बहुत बड़ा गैप नीचे फास्ट डाउनफॉल आ गया था तो उसमें जगह थी नहीं पुट और शॉर्ट करने की, यहाँ से कॉल दी
उसका बढ़िया टारगेट भी अचीव हुआ। तो 42,300 के ऊपर, अब मार्केट 42,300 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, 42,300 एक्चुअल कितना आ रहा है, 42,310 आ रहा है। हाँ तो 42,310 मान लो या 320 मान लो, उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो हम कॉल की पोजीशन एसएल फिर आपका हो जाएगा कहाँ पे, एसएल फिर आपका आ जाएगा 42,150 के पास में, 42,150 और ऊपर के टारगेट 42,500 और 42,650, ये दो टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन। निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, बैंक निफ्टी हाल फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट की भी राय दे सकता हूँ, 42,700 का ऐसा लगा के, एक ऐसा लगा के ऊपर के लेवल पे, चाहे नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे, या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल 42,500 42,700 के बीच में कहीं आइडेंटिफाई होती है तो एक फुट की पोजीशन अगेन आप नीचे में 42,200 तक के लिए, 500 पॉइंट के लिए ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी में नीचे की साइड फुट की पोजीशन बना सकते हैं। अब सिचुएशन है फ्रेंड्स की फ्लैट खुल के नीचे आता है तो नीचे कहाँ, 42,000 के नीचे, 42,000 के नीचे जैसे ही 15 मिनट कैंडल क्लोज हो, 42,000 के नीचे जैसे ही एक 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो हम पुट की पोजीशन बना लेंगे 41,825 तक के लेवल के लिए। एसएल फिर आपका रहेगा 42,150 का एसएल हो गया और नीचे की पोजीशन के लिए पुट, गैप डाउन 41,800 के आसपास मिलेगा, बुलिश कैंडल्स आइडेंटिफाई करके एक कॉल, और अगर यहाँ पे 41,825 को भी होल्ड नहीं किया और नीचे गिरता है तो पुट की पोजीशन देखेंगे फिर फर्दर, क्योंकि इसका हाल फिलहाल 41,300 तक का एक नीचे का रिट्रेसमेंट बाकी है, वो देखते हैं कल देता है परसों देता है। तो अब बात करते हैं फिर निफ्टी एक्सपायरी है, वन डे का इसका चार्ट देख लेते हैं, कंटिन्यूसली अप मूवमेंट है, आज भी अगर ये रेड कैंडल दिख रही है तो ये रेड भले ही है लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं है, मतलब ये हाल फिलहाल आपका 18,460 तक का एक डिप दे सकता है, 18,450 तक का डिप एक इसके अंदर देखा जा सकता है। हाल फिलहाल खैर ठीक है, 18,600 तक का इसने डिप दिया, वहां पे किसी ने खरीदा होगा तो डेफिनेटली बढ़िया प्रॉफिट बना होगा। तो ट्रेड किस तरह से करें, तो कॉल साइड तो इसमें बैंक निफ्टी अगर बुल रहेगा तो ये तो डेफिनेटली जाएगा ही, तो कॉल की पोजीशन, तो कॉल की पोजीशन 18,850 के ऊपर, 18,850 की फ्लैट पुल की ओपनिंग, 15 मिनट कैंडल, कॉल की पोजीशन 18,930 का टारगेट, एसएल आपका 18,800, फ्लैट पुल के नीचे आता है 18,750 को ब्रेक करता है या फिर अगेन आपका 18,730 का लेवल टूटता है, 18,730 का लेवल टूटता है 15 मिनट कैंडल से तो पुट की पोजीशन एसएल फिर आपका हो जाएगा 18,750 का, 18,765 का और नीचे के टारगेट 18,600, 18,683 और 18,600, इन दो टारगेट के लिए पुट की पोजीशन, गैप डाउन गैप अप 18,930 का आसपास अगर होता है तो पुट की पोजीशन बनाएंगे, एसएल आपका रहेगा 19,000, ये मैंने उसमें भी मंडे उस ट्रेड में भी यानी कि अगर देखोगे तो उसमें दे रखा है लेकिन आवाज नहीं आई उसकी वजह से क्षमा याचना अगेन। तो एसएल गैप अप में 18,19,000 का एसएल, नीचे के टारगेट अगेन आपको मिल जाएंगे 18,850 18,800 तक के, और ये वाला लेवल है कहाँ पे, 18,600 का लेवल है, 18,683 का ही लेवल मान लो आप, 18,683 के नीचे 80 के नीचे या 650 के नीचे ट्रेल करता है तो गैप डाउन खुल के इसके नीचे ट्रेल करता है तो फिर अगेन पुट की पोजीशन। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।